बिजनौर की पूर्व सदर विधायक कोरानी रुचि वेरा ने बसपा क्या ज्वाइन की, मानो उनके राजनीतिक विरोधियों की बाढ़ सी आ गई। मगर इस महिला के चेहरे पर इत्मीनान साफ देखा जा सकता है। इत्मीनान हो भी क्यों ना, बहुत पुरानी कहावत है कि सांच को आँच नहीं। जो इंसान अपने आप में सही होता है, उसके विरोधियों की फहरिस्त कितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए, उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही तमाशा खेला जा रहा है कुंवर रानी रुचि वीरा के साथ। शहर में मशहूर तो वह पहले से ही थी, रही सही कसर उनके विरोधियों ने पूरी कर डाली। अपने राजनीतिक विरोधियों को मात देते हुए कुंवर रानी रुचि वीरा ने बसपा ज्वाइन की और उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें बिजनौर लोकसभा प्रभारी भी नियुक्त कर दिया। मगर उनके विरोधियों से ये हजम नहीं हो पाया और उन्होंने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार राजनीति का एक ऐसा पैतरा खेल दिया जो सीधे तौर पर एक जाति विशेष के लोगों से जुड़ा हुआ था। रुचि वीरा का कहना है कि उनका इस प्रकरण से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नुकसान देने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उनका कहना है कि बसपा इसकी जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी जांच में खुद ब खुद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है, बिजनौर के हर वर्ग का समर्थन उनके साथ है। सब जानते हैं कि उनके परिवार ने कभी भी घटिया राजनीति नहीं की। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने राजनीतिक दुश्मनों से ज़रा भी खौफ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यही तो है जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मैं दुश्मनों का बहुत एहतराम करती हूँ। कल बहन जी के आदेश पर एक लेटर जारी हुआ है बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जी की तरफ से कि जो ब्रह्मपाल प्रकरण की वजह से या जो भी लोग मतलब ये प्रकरण हुआ है उसमें बहन जी चाहती हैं कि यहाँ जांच हो, तो मैं उस जांच का स्वागत करती हूँ कि भाई ये जांच होनी चाहिए और जो भी स्थिति है वो साफ़ होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये कुछ राजनीतिक विरोधियों ने इस तरह से ये षड्यंत्र रचा है, कुछ नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी जांच के बाद हो जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि ना कर ना डर, जब कुछ मामला ही नहीं है तो जब बहन जी जांच कराएंगी तो सब स्थिति साफ हो जाएगी और आगे बहन जी जांच के बाद जैसा भी बहन जी का आदेश होगा वो हमें मान्य है, हम सब उसका पालन करेंगे। और मैं अपने सभी समर्थकों से, अपने जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे हमदर्द हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं सब लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि संयम बनाए रखें और धैर्य रखें, कोई हताश और निराश ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सारी परिस्थितियाँ सामने, सब जब जांच के बाद सामने आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा और जैसा भी बहन जी का आदेश होगा हम सब लोग उसका पालन करेंगे।